हम अक्सर देखते हैं जब लोग खुद अपने बच्चों को स्कूल से लेने नहीं जाते, या मैंने 2-3 दफ़ा मॉल में भी देखा है कि एक बच्ची बहुत अच्छे कपड़ों में रोई जा रही है, उसके साथ एक बंदा जो कि किसी भी एंगल से मुझे उसका बाप नहीं लग रहा, ना मुझे इसका घर का कोई फ़र्द लग रहा है, और उसके बच्ची सपोर्ट की गई है और वो बंदा उसको गंदे तरीके से हैंडल कर रहा है, उसको बुरे तरीके से हाथ लगा रहा है। मैंने कई दफ़ा, क्योंकि जब मैं अर्ली घर से निकलती हूँ तो उसका स्कूल टाइम अगर होता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, वो ड्राइवर है, हाँ, और बच्चा या बच्ची, हाँ, उसकी गोद में है। जी जी जी, मैंने भी देखा है। अव्वल तो ये कानूनन गलत है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बच्चे को गोद में नहीं बिठा सकते, आप बच्चे को आगे भी नहीं बिठा सकते, आपको उसको सीट बेल्ट करके पीछे बिठाना चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत ऐसे केसेस मैंने भी डील किए हैं जहाँ पर बच्चे अब्यूज़ हुए हैं, आपने अपने बच्चे के साथ, मेड के साथ, चलो भाई बच्चे को ले जाओ पार्क में खिलाने के लिए। मुझे पता है माँ बाप हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, मॉनिटर करनी पड़ती। आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है, वो 1-1.5 घंटे कहाँ है, इतने रैकेट्स हुए हैं इसके ऊपर भी, बच्चे अब्यूज़ हुए हैं। मैंने ज़ाती तौर पर केस ऐसा डील किया हुआ है जहाँ वो बच्ची वॉज वेरी बैडली अब्यूज्ड, छोटी बच्ची थी, टॉडलर थी, बता नहीं सकती थी, और वो मेड और चौकीदार दोनों मिले हुए थे, वो लेकर जाते थे, 1-1.5 घंटा दैट बच्ची वॉज गिवन टू समबडी, वहाँ से पैसे बनाए, और माँ बाप को होश ही नहीं है। अल्लाह हू अकबर। आप किसी के हवाले, आप नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा मजहबी बातें नहीं करती हूँ, लेकिन हमारा दीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे दीन में कुछ हदूद हैं, कुछ हुरमत की हदूद हैं। आपकी हुरमत की हदूद में आपके वालिद आते हैं, आपके भाई आते हैं जिनसे आपका खून कर, या जिनसे आपका निकाह जायज़ नहीं है, ये समझ। मगर उसके बावजूद मुझे याद है बड़े होते हुए हमारे घर में, हम बहनें थीं, मेरे किसी कज़न को, मेरे चचा को, दाया को, मामू को भी आने की इजाज़त नहीं थी अगर मेरे माँ बाप घर पे नहीं है। तो ये खुदा ना खास ऐसी बात नहीं कि सब लोग गलत होते, हाँ, हैं, मगर ये अल्लाह ताला ने आपको एक वजह है ना, देयर इज अ रीज़न कि कुछ चीज़ें, अल्लाह ने आपको एक चीज़ बता दी कि आप इसको प्रिवेंट करें, कि खुदा ना खा सकें, 1 in a million भी चांस है, हाँ, तो 1 in a million की अपॉर्चुनिटी ना दें, बच्चों को दूसरों पर ना छोड़ें। ये बात अच्छा। और जैसे खैर अभी तुम शो में आगे बात भी करेंगे, तो सिर्फ ये नहीं कि बंदे अब्यूज़ कर रहे होते हैं, घर में वो रहने वाली औरत जिसके पास अपना बच्चा छोड़ के जा रहे होते हैं, वो भी आपके बच्चे को फिजिकल अब्यूज़, जिसमें सिर्फ मारपीट नहीं आती, उसको सेक्सुअल अब्यूज़ भी करती है। आई एम सॉरी, इट्स अ पार्ट ऑफ मोलेस्टेशन, मुझे वर्ड ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ये है। आप अपने घरों में चले कैमरे भी लगा लें, लेकिन आप प्लीज़ ये मुसलसल देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बच्चे के हाथ से। आप बच्चे, जैसे आपने बात की ना कि बच्चा जो है वो एक आंटी को देख के रोने लग जाता था जिसे आपके भांजा भी था, क्योंकि हो सकता है वो मारती हूँ, यही करते हैं बच्चों को कि चुप कराने के लिए, चुप करो, चुप करो। भी नहीं था मेरा ख्याल, उसको आज सिर्फ 3 दिन हुए थे, हाँ, लेकिन वो बच्चे को एक वाइब वाइब आ जाती है। आपका बच्चा वो एक जानवर की तरह वो रिएक्ट कर रहा है। अगर एक बच्चा कह रहा है मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये गंदी है, हाँ, आप कहते नहीं, ऐसे नहीं कहते, हाँ, आप ये सुनते नहीं है कि बच्चा किस तरह बताए कि ये मेरे लिए ये शख्स गलत है। ये वैसे आपने कितनी अच्छी बात की, बच्चे कह रहे होते हैं और हम कह रहे थे कि बच्चे गंद, बुरी बात, बेटा ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते बेटा, बुरी बात है, बड़ी है, ऐसे नहीं कहते। ये आप लोग भी करते होंगे, और हम वाकई सोचते हैं, हम अपने बच्चों को आगे तमीज़ सिखाने लग जाते, बेटा ऐसे नहीं कहते, ये आपके घर में काम करते, इनकी इज्जत करनी है। हम ये नहीं सोच रहे होते कि बच्चा ऐसा कह क्यों रहा है, कि उसके पीछे कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। अच्छा, जैसे हम रेड फ्लैग्स के वाले से बात कर रहे थे, आपकी बच्ची घर में भी अगर वो कंफर्टेबल ना हो आपके ड्राइवर से, और आपको लग रहा है कि ड्राइवर भी बैक मिरर से आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, ये भी रेड फ्लैग है। मैं एक और भी बात कह दूँ, गाड़ियों की, क्योंकि बात आती, गाड़ी में आप सफ़र करते हैं, आप भी जा रहे हैं ड्राइवर के साथ, बच्चा भी है आपका, कोई बेटा भी है, जो भी है, मैं माजरत के साथ ही कहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत आदत होगी ना गाने सुनने की गाड़ी में, वो फेमिलियरिटी ना रखें अपने ड्राइवर के साथ, थोड़ा दूर जाना है ना, मत गाने लगाएं गाड़ी में। कई दफ़ा वो मायूब भी होते हैं, कई दफ़ा वो जुमाइने भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा लिहाज का पर्दा बिल्कुल होना घर के अंदर, जैसे आपके रिश्तों में होता है, वैसे आपके घर के मुलाजमीन के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। इतना फ्रैंक ना कर लें कि कल को वो आपसे कोई गलत बात कह दें, या वो अपनी
वो कहते ना वो जो अपनी एक हद है उसको भूल जाए. सो प्यार से रहें, अदब से रहें, लेकिन थोड़ी सी हदें कायम रखें. अच्छा और साहब ना भाई बताइए, इतनी डिपेंडेंसी हमारी क्यों होगी? आई रिमेंबर अगर हमारी एक जो घर में जो हमारी हेल्प होती थी वो ज़रा सी लेट भी हो जाए नहीं आती थी तो मेरी अम्मी के लिए कोई बिग डील नहीं होती थी. मेरी अम्मी हमसे काम भी कराती थी, मेरी अम्मी खुद भी मशीन लगा लेती थी. ठीक है कि हाँ जब वो ठीक होगी जब उसकी ना, तो वो उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती थी. लेकिन हम लोग तो बहुत डिपेंड करते हैं. एक जवाब है फोहड़पन. हाँ आप उहड़े, अगर आप अपना घर नहीं चला सकते वो तो आप उहड़े. क्योंकि मुझे बड़े मैसिव स्केल पे हमेशा से खौफ होता था क्योंकि मैं इन्हें खाना पकाना नहीं आता था. हाँ. तो अम्मी मुझे कहती थी कि देखो तुम्हें आना चाहिए चाहे तुम ना पकाओ, मगर तुम्हें आना चाहिए. क्यों? जो मैंने पकाना, जैसे मेरी माँ, मैं पकाना नहीं. क्यों? क्योंकि जो आपके घर में खानसामा भी आएगा, आज एक आएगा, हो सकता है 2 साल के बाद कोई दूसरा आए, आपके घर का खाना क्या बदलता रहेगा? आपके जायके बदलते रहेंगे. आपको जब खुद आता होगा काम करना तो आप करवा सकते हैं, आप सिखा सकते हैं. और आपके घर के मुलाजमीन को ये पता होता है कि अगर हम नहीं होंगे तो बीबी क्रैश नहीं कर जाएंगी. हाँ. वो ब्लैकमेल इसीलिए करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनको पता है कि आप उनके बगैर बिखर जाएंगे. तो इसीलिए वो आपके साथ वो ब्लैकमेलिंग करते हैं. अच्छा ना, अब देखिए अभी मैं भी पिछले दिनों जब कभी होता है, इत्तेफाक होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो जब अमेरिका वाले भी जा रहे हो तो वहाँ पे जैसे आप घर रह रहे होते हैं बहन, तो हम वहाँ पे पांडे भी मांज रहे होते हैं, मतलब बर्तन भी धो रहे होते हैं, सब चीज़ें खुद कर रहे होते हैं. और एक काम मजाल जो फील हुआ हो, घर में दावत भी होगी तो खुद से इतनी चीज़ें बनाई जाएंगी लोगों के लिए. लेकिन यहाँ पे वो चीज़ क्यों बताएं कि स्पेशली जब माएँ करती हैं, आपका बेटा है ठीक है, बेटी से कहेंगे भाई को पानी ला कर दो, बेटी से कहेंगे तुम किचन में हेल्प कर दो. बेटे से क्यों नहीं कह सकते? सारी दुनिया के खानसामा जो है दे मैन, सारे शेफ्स दे मैन, ठीक है. बटन क्यों नहीं लगाना आता लड़कों को? लड़कियों को भी नहीं आता. जी हाँ, दर्जी देख ले. अच्छा, सबसे वही जब लड़के लड़कियां बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो वहां पर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन भी धो रहे होते हैं जी, वो अपने कपड़े भी खुद कर रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है. तो आप अपने बच्चों को अपाहज क्यों बनाते हैं? अपाहज बनाना है. तो अगर आपके घर के मुलाजमीन को पता हो कि भाई हमारी नौकरी तब तक है जब तक हम काम सही करेंगे, तो वो काम सही करेंगे. जब उनको ये पता है कि जी ये तो हम इनको कर सकते हैं, कर सकते हैं और हमें इतना डिपेंड नहीं करते, तो फिर वो भी हमें इतना पागली बना सके. मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर आप जैसी बहुत सारी जो घरों में जो हाउस वाइफ है, जो हाउस मेकर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगी, जो डसी हुई हैं और कैसे उनको पागल बनाया गया, वो कैसी लुटी. इसलिए आपके साथ जो है वो ऐसी स्टोरी शेयर करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आप भी उसी स्क्रिप्ट से गुजर रहे हो. छोटी सी मुझे ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा नहीं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद. आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमें ख्याल रखना है कि हम उन लोगों को जो अपने काम के पर्पज़ से अपने घर में एंटर करते हैं, यानी कि हमारी डोमेस्टिक हेल्प, हमारे खानसामा, हमारे ड्राइवर्स, वो लोग जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, जब उनको अपने घरों में रख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं. सिर्फ उसका पैकेज ही आपने तय नहीं करना होता कि अच्छा मैं तुम्हें कितने रुपए महाना पे मैं तुम्हें हमारी सर्विसेज दे रही हूँ, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं. ठीक है, शनाख्ती कार्ड भी ले लें, लेकिन शनाख्ती कार्ड से ये नहीं पता चलता कि अगले का किरदार कैसा है. पर आप उसके आप देख सकते हैं जब आपके घर में काम करना शुरू करता है कि वो आया सूटेबल आदमी औरत है भी, कि आपके बच्चों के साथ उस घर में रह सके या टाइम गुजार सके, ये बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, ब्रेक के बाद हमें खालदा जी ने ज्वाइन किया और खालदा जी के साथ हो चुका हुआ है कि किस तरीके से वो अपनी काबिले एतबार माँ और बेटी जो उनके घर में काम करती थी उन्हीं के आगे से दामाद के थ्रू